please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से फी रिसिप्ट बिल डिजाइन क्रिएट करना। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2019 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है भी, तो आप इजीली यहाँ पर किसी भी तरीके का डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रिंटेबल बिल डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पेज का साइज क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सिंपल लेआउट के अंदर क्लिक करूँगा। ध्यान से देखिए, लेआउट के अंदर क्लिक करने के बाद सिंपल दोस्तों, मैं यहाँ पर साइज़ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। आप भी इसी तरीके से साइज़ के ऊपर मैं क्लिक कर लीजिए। साइज़ के ऊपर मैं क्लिक करने के बाद दोस्तों, नीचे की तरफ आपको मोर पेपर साइज देखने को मिलेगा। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर पेज सेटअप के ऊपर में आपको साइज देना है एग्जैक्टली बिल का साइज। तो यहाँ पर मैं वाइड एंगल के ऊपर में बिल डिज़ाइन क्रिएट करूँगा दोस्तों, वाइड के ऊपर में। तो उसके लिए दोस्तों, मैं यहाँ पर वेट सिंपली 8.5 inches रहूँगा और दोस्तों हाइट यहाँ पर 3.5 inches रहूँगा। दोस्तों, ये एग्जैक्टली रिसिप्ट बिल का फॉर्मेट है। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करते हुए ओके करूँगा। जब मैं ओके करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पेज का साइज देखने को मिलेगा। अब आपको इसको ईजिली जहाँ पर भी ले जाकर प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली प्रिंटेबल पेज है। तो उसके बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर में इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए दोस्तों, आपको यहाँ पर सिंपल शेप्स के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको दोस्तों एक रेक्टेंगल शेप यानी कि राउंडेड रेक्टेंगल शेप क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हुए कुछ इस तरीके से आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, आपको ये वाला पॉइंट को आपको इस तरीके से डिक्रीज करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के बाद दोस्तों, आपको चाहे तो इसको थोड़ा सा साइज कम कर लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर आप पेज क्रिएट कर चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक शेप क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिल करूँगा और यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से बड़ा कर दूंगा ताकि दिखने में भी अच्छा सा एक बिल का जैसा लुक निकल कर आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इतना तक तो मैंने कंप्लीट काम कर चुका हूँ। अब मैं इस दोनों को सेलेक्ट करते थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिख जाए। उसके बाद दोस्तों, इसके ऊपर मैं क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं सेम फिल कलर ये वाला फिल करूँगा और इसको आउटलाइन ब्लैक कलर फिल करूँगा। आप चाहे तो आउटलाइन रिमूव भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसको यहाँ पर मैं ये वाला सेम प्रोसेस ये कलर फिल करूँगा और उसके बाद दोस्तों सेफ आउटलाइन नो आउटलाइन करूँगा। तो दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली एक पेज का डिज़ाइन क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का एक लोगो यहाँ पर इंसर्ट करना चाहूँगा। तो इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करते हुए पिक्चर्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। डी ड्राइव के ऊपर मैंने यहाँ पर एक लोगो यहाँ पर बनाकर रखा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर लोगो इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर तो दोस्तों देख सकते हो ये वाला लोगो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों, इसको रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इसको साइज थोड़ा सा इस तरीके से कम करते हुए, शिफ्ट होल्ड करते हुए कम करते हुए यहाँ पर आपको प्लेसमेंट कर देना है। आप चाहे तो इस तरीके से प्लेसमेंट करते हुए इसको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर इसको भी प्लेसमेंट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जैक्टली इस तरीके से प्लेसमेंट करूँगा और इसको इस तरीके से इधर के साइड करूँगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा स्कूल का नेम। तो उसके लिए इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करते हुए यहाँ पर यानी कि इंस्टीट्यूट का नेम टाइप करूँगा। शेप्स के ऊपर मैं जाकर टेक्स्ट बॉक्स फिल करूँगा और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करूँगा टेक्स्ट बॉक्स। और दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले काम होम के ऊपर में जाकर नो स्पेसिंग करूँगा और दोस्तों यहाँ पर टाइप करूँगा स्कूल का यानी कि इंस्टीट्यूट का नेम। तो सिंपल दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइप करूँगा और इंटर बटन प्रेस करते हैं। जो भी आपको एड्रेस वगैरह यानी कि स्लोगन वगैरह है वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने टाइप किया। इसको मैं दोस्तों सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट यूज़ करूँगा ये वाला ताकि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत सा एक प्यारा सा इफेक्ट निकल कर आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा फॉन्ट साइज कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ से एंटर बटन प्रेस करते हुए दोस्तों फिर से यहाँ पर टाइप करूँगा। जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से इंटर करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा। तो दोस्तों, देख सकते हो मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली एक इंस्टीट्यूट के नेम टाइप कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर दोस्तों स्लोगन यानी कि आपके जो भी स्लोगन है वो टाइप कर चुका हूँ। एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर चुका हूँ। अब मैं दोस्तों इसको सिंपली क्या करूँगा, फॉर्मेट के ऊपर मैं क्लिक करते सेफ फिल नो फिल सेफ आउटलाइन नो आउटलाइन करूँगा। आप चाहे तो इसके ऊपर में जो जो टेक्स्ट कलर आपको पसंद है वो सब कुछ आप यहाँ पर इजीली अप्लाई वगैरह कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों।
तो सिंपली मैं यहाँ पर एक फिर से इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए शेप्स के ऊपर में आकर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स फिल करूँगा और यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक इजीली जो भी इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पर लगना है वो सब कुछ यहाँ पर इजीली टाइप करूँगा। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट थोड़ा सा साइज कम करूँगा, 9 के आसपास करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइप करूँगा सीरियल नंबर। तो कुछ इस तरीके से सीरियल नंबर टाइप करूँगा और यहाँ से कुछ इस तरीके से अंडरस्कोर टाइप करूँगा और यहाँ पर मैं टैब बटन प्रेस करते हुए डेट यहाँ पर टाइप करूँगा और सिंपली दोस्तों इस तरीके से अंडरस्कोर टाइप करते हुए डेट भी यहाँ पर बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेसिंग आपको लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हो, जस्ट आपको एंटर करना है तो यहाँ पर स्पेसिंग आ जाएगा और सिंपली आपको जो भी नेम है वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए और कुछ इस तरीके से स्पेस देकर आपको यहाँ पर अंडरस्कोर इस तरीके से टाइप करना है और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए फिर से आप यहाँ पर क्लास। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इस तरीके से कम्प्लीट यहाँ पर टाइप किया, सीरियल नंबर, डेट, नेम, क्लास, कोर्स, एडमिशन फी, फी फॉर मंथ ऑफ रुपीस, लेट फी रुपीस, कुछ इस तरीके से टाइप किया। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कम करूँगा और यहाँ पर मैं फॉर्मेट के ऊपर में जाकर सेव फिल नो आउटलाइन, सेव आउटलाइन नो आउटलाइन, सेव फिल कलर नो फिल करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ध्यान से देखो दोस्तों कितना प्यारा तरीके से इतना तक मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर काम कर चुका हूँ जस्ट कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से कंप्लीट काम हो चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से शेप्स के ऊपर में जाकर एक ये वाला राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करते हुए दोस्तों इसको थोड़ा सा इधर की तरफ करते हुए यहाँ पर इस तरीके से टाइप करूँगा और इसको यहाँ पर व्हाइट कलर फिल कर दूंगा, ध्यान से देखिए, और उसके बाद इसको आउटलाइन ब्लैक कलर फिल करूँगा और यहाँ पर मैं ये वाला को सभी को नीचे की तरफ इस तरीके से करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा हाई स्कूल यानी कि फी रिसिप्ट बिल टाइप करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं शेप्स के ऊपर में जाकर ये वाला शेप सेलेक्ट करते हुए या फिर आप लोग जो भी शेप्स आपको पसंद है आप सेलेक्ट करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करते हुए सिंपली व्हाइट कलर फिल करते हुए आउटलाइन आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इजीली टाइप कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली इंसर्ट के ऊपर में जाकर वर्ड स्टाइल 1 इस तरीके से टाइप करते हुए यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए नो स्पेसिंग करते हुए सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है फी रिसिप्ट बिल। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूंगा ताकि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत सा एक प्यारा सा लुक लगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों देख सकते हो। उसके बाद इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए शेप्स के ऊपर में जाकर ये वाला लाइन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा लाइन कलर वाइट ब्लैक और इसको थोड़ा सा वेट इस तरीके से बड़ा कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों इसी टेक्स्ट को कंट्रोल होल्ड करते कॉपी करते यहाँ पर टाइप करूँगा रुपीस कुछ इस तरीके से और इसको दोस्तों यहाँ पर मैं RS छोटा करूँगा कुछ इस तरीके से और इसको कंट्रोल ए करते हुए बोल्ड करूँगा बोल्ड फॉन्ट। आप चाहे तो यहाँ से बोल्ड ये वाला इम्पैक्ट वगैरह फॉन्ट सेलेक्ट करते हुए इसको यहाँ पर प्लेसमेंट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने कितना प्यारा तरीके से इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट कर दिया है। तो दोस्तों देख सकते हो इतना तक तो यहाँ पर कंप्लीट काम हो चुका है। अब मैं फिर से इंसर्ट के ऊपर में आकर शेप्स के ऊपर में आकर यहाँ पर मैं सिग्नेचर टाइप करूँगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली टाइप करूँगा कुछ इस तरीके से अंडरस्कोर और इसको सैडल करते हुए नो स्पेसिंग करते हुए यहाँ पर मैं एंटर बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हुए सिग्नेचर टाइप करूँगा कुछ इस तरीके से। इसको सैडल करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा साइज छोटा करते हुए इसको मैं यहाँ पर सेव फिल नो फिल करूँगा, सेव आउटलाइन नो आउटलाइन करते हुए यहाँ पर मैं इसको प्लेसमेंट इस तरीके से कर दूंगा। आप चाहे तो इसको जो भी इसके ऊपर में करना चाहते हो तो सब कुछ आप इजीली कर सकते हो। इसको यहाँ पर मैं आप प्लेस कर दूंगा कितना प्यारा तरीके से दोस्तों देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक साइड का काम कम्प्लीटली कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होकर मैं इजीली यहाँ पर काम करूँगा इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर कॉपी करते हुए इसको यहाँ पर प्लेसमेंट कर दूंगा। जब मैं इसको यहाँ पर प्लेसमेंट करूँगा इसको थोड़ा सा साइज इस तरीके से बड़ा करते हुए और इसको भी यहाँ पर बड़ा करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर सभी को सेंटर करूँगा इसके ऊपर में सेंटर। और दोस्तों इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूंगा ताकि दिखने में भी खूबसूरत सा एक प्यारा सा लुक लगे। तो इसको सभी को मैं एक ही पेज की यानी कि एक ही लाइन के ऊपर मैं यहाँ पर रख दूंगा और इसको भी यहाँ पर इतना ही रख दूंगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत सा सुंदर सा एक लुक लगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और दोस्तों यहाँ पर मैं इसको साइज थोड़ा सा कम कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर काम हो चुका है। जो भी कलर आपको पसंद है इसके ऊपर में इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर कलर वगैरह भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। कलर वगैरह आपके ऊपर में मैं सिंपली ब्लैक ही कलर के ऊपर में काम कर रहा हूँ दोस्तों देख सकते हो। और उसके बाद इसी टेक्स्ट को यानी कि इसी टेक्स्ट को कंट्रोल होल्ड करते यहाँ पर कॉपी करूँगा और ये वाला शेप को भी यहाँ पर इस तरीके से कॉपी करते हुए थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल सा प्यारा सा एक लुक लगे। इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दूंगा और इसको यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर मैं इसको बोल्ड सा फॉन्ट इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं इम्पैक्ट फॉन्ट ही सेलेक्ट करूँगा ताकि दिखने में भी और ज़्यादा सुंदर सा खूबसूरत सा एक प्यारा सा लुक लगे।
तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पर इस तरीके से साइज छोटा करते हुए यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, ताकि देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से रिसिप्ट बिल तैयार होकर आ चुका है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, सभी को इसको इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से प्लेस करना है और इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है इधर की साइड, और इस तरीके से आपको टैप बटन प्रेस करते हुए जहाँ पर आपको इसको रखना है तो आप इजीली इस तरीके से रख सकते हो। जस्ट आपको नेम के ऊपर में इस तरीके से अंडरस्कोर टाइप करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर देना है। आप चाहे तो इसको सभी को फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो ताकि दिखने में भी खूबसूरत सा एक प्यारा सा लुक लगे। तो इसको इधर की साइड इस तरीके से करते हुए आपको लेकर आना है। जस्ट आपको इस तरीके से बैक स्पेस करते हुए आपको यहाँ पर मैनेज करना है। आप शायद इसको सभी को साइड हल करते हुए बोल्ड कर लीजिए ताकि दिखने में भी और सुंदर लगे, और इसको यहाँ से थोड़ा सा अंडरस्कोर इस तरीके से टाइप करते हुए आप इस तरीके से मैनेज कर लीजिए। मैं यहाँ पर फटाफट मैनेज कर रहा हूँ दोस्तों कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर एडमिशन फी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये भी अंडरस्कोर शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर इस तरीके से टाइप करते हुए, ये भी इस तरीके से टाइप करते हुए आपको यहाँ पर ईजिली काम कर सकते हो। इसका आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, और उसके बाद दोस्तों इसी को कंट्रोल इस सभी को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली इन होम के ऊपर में क्लिक करते हुए, सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करते हुए ग्रुपिंग का ग्रुप कर देना है। उसके बाद दोस्तों ग्रुप करने का भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिंपली सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और दोस्तों यहाँ से इस तरीके से सभी के सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से आपको कॉपी करते हुए यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से प्लेसमेंट इजीली कर सकते हो। तो इसको मैं इधर के साइड करूँगा, तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको लाइन कलर ब्लैक कलर फिल करूँगा, और दोस्तों यहाँ पर वेट थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा ताकि दिखने में भी सुंदर लगे, और इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर कॉपी करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर दूंगा ताकि दिखने में भी और सुंदर सा एक प्यारा से लुक लगे। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर नोट वगैरह भी टाइप कर सकते हैं, इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर मैं नोट टाइप कर रहा हूँ सिंपल। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर नोट भी टाइप किया, इसको मैं नोट्स को थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर दूंगा ताकि दिखने में भी एक सुंदर सा एक प्यारा सा लुक निकल कर आता है। दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा तरीके से इतना तक मैंने कम्प्लीटली काम कर चुका हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पर एक वाटरमार्क क्रिएट करना चाहूँगा इसके ऊपर में भी और इसके ऊपर में भी। उसके लिए दोस्तों इनसेट के ऊपर में क्लिक करते हैं शेप्स, और यहाँ पर ये वाला शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट होल्ड करते इसको राइट क्लिक करते फॉर्मेट शेप्स के ऊपर में क्लिक करते हुए दोस्तों यहाँ पर फिल के ऊपर में क्लिक करूँगा। फिल के ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं पिक्चर्स और टेक्सचर फिल के ऊपर में क्लिक करते हैं, फाइल के ऊपर में क्लिक करते हुए दोस्तों मैं यहाँ पर चूज करूँगा लोगो ये वाला और इसको इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लोगो आ चुका है। इस तरीके से आपको मैनेज कर देना है, मैनेज करने के बाद सिंपली इसको शेप आउटलाइन नो आउटलाइन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन, आपको जितना ट्रांसपेरेंसी चाहिए उतना आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसको इस तरीके से आप मैनेज करते हुए दोस्तों देख सकते हो, इसको आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा वगैरह करते हुए इस तरीके से आपको मैनेज वगैरह करते हुए, और यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, जस्ट सेंड बैकवर्ड इस तरीके से करते हुए आना है, तो आपको इस तरीके से पीछे चला जाएगा। और इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, इसको शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए छोटा कर देना है ताकि आप लोग इस तरीके से आप बना सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली एक यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का फी रिसिप्ट का बिल डिज़ाइन करके दिखा चुका हूँ दोस्तों आप लोगों को। आप भी इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर में प्रिंटेबल इस तरीके का फी रिसिप्ट बिल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।